हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी रसोई बाई सिखा में। आज मैं आपको मथुरा और आगरा की स्पेशल बेड़मी पूड़ी मिक्स बनाना बताऊंगी। इसको बनाने के लिए हमको बहुत ही परेशानी करनी पड़ती है। उड़द की दाल को भिगो पीसो, तो मैं आज आपको बेड़मी पूड़ी का मिक्स बनाकर रखना स्टोर करना बताऊंगी। इससे आप स्टोर करके महीने दो महीने तक रख सकती हैं, और जब आपका मन करे तो आप इसको बना सकती हैं। इसको दो तरीके से बनाते हैं, तो हम आपको दोनों तरीके से बनाना बताएंगे। एक स्टफ करके और एक उसी में सान करके बनाना बता। ये 200 ग्राम उड़द की दाल है, इसको मैंने कपड़े से पोंछ कर रख लिया है। ये इसको आप तवे पर या किसी भी पैन में डाल दीजिए। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, इसको 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। इसमें 6 से 7 लाल मिर्च, 3 चम्मच जीरा, 10 से 12 काली मिर्च, ये सब हम साथ में इसके भून देंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है, इसको हल्का ही रोस्ट करना है। ये हमारा दाल हो गया है, अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद तब हम इसको ग्राइंड करेंगे। चुका है उसको हम अब हम इसमें 1.5 चम्मच सौंफ डालेंगे। इसमें सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हींग डालेंगे, आधी चम्मच हींग, नमक 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, सबको मिलाकर हम पीस लेंगे। इधर हमारा दाल पीस गया है, ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा बारीक, ये हल्का सा दरदरा रहना चाहिए। उसके बाद हम इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में 1 से 2 महीने तक रखकर यूज़ कर सकते हैं। अब बेड़मी पूड़ी बनाने के लिए हमें 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी मैदा, अगर आपको मैदा इस्तेमाल नहीं करना है तो आप 2 कटोरी गेहूं का आटा इस्तेमाल कर सकती हैं, और 1 कटोरी सूजी। इसमें 2 चम्मच रिफाइंड, 1/2 करके गूंथ लेंगे, क्योंकि हमें 2 तरह से बनाना है, 1 स्टफ और 1 मिक्स करके। तो इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। कटोरी आटा है, इसमें हम 1/2 कटोरी ये बेड़मी पूड़ी मिक्स डाल देंगे। ये हम मिक्स वाला बना रहे हैं, ये उसका आटा गूंथ रहे हैं। थोड़ा हम गीला ही आटा गूंथेंगे, क्योंकि हमारा दाल जो है फूलेगा।
दाल को हम ऐसे गोल गोल कर कर इसमें डाल देंगे, इसको बंद कर देंगे। तो हमारा तेल गरम हो रहा है, देखिए हमारी कितनी कुरकुरी स्टफ पूरी तैयार हुई है। ये देखिए कितनी स्टफ है, कितनी कुरकुरी है अंदर से, देखिए स्टफ पूरा भरा हुआ है। ये देखिए हमारी स्टफ बेड़मी पूरी तैयार है। अब हम लोग मिक्स वाली बनाएंगे। ये आटा भी हमारा 20 से 25 मिनट रेस्ट कर चुका है, तो ये फूल चुका है, थोड़ा टाइट हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा पानी से फिर से थोड़ा मल लेंगे। हाथ में थोड़ा तेल लगा लेंगे, इसको अच्छी तरह से मल लेंगे। ये मिक्स वाला है जो हमने दाल इसमें मिक्स किया था आटे में, ये भी बहुत कुरकुरी बनती है। ये भी कितनी क्रिस्प है।